हमारा टॉपिक है फटीग एंड एक्सीडेंट। ये हमारे फोर्थ पेपर अप्लाइड साइकोलॉजी का लास्ट यूनिट, फिफ्थ यूनिट, जिसका 19वां टॉपिक है फटीग एंड एक्सीडेंट। सामान्य बोलचाल की भाषा में उस अप्रत्याशित घटना को दुर्घटना माना जाता है जिसमें धन जन दोनों की क्षति होती है, किंतु औद्योगिक मनोविज्ञान में दुर्घटना शब्द का विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक दुर्घटनाएं सिर्फ वे होती हैं जो कार्य परिस्थिति तथा कार्य संपादन प्रणालियों में कुछ त्रुटियों के कारण घटित होती हैं। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि भूकंप, अकाल, दुर्भिक्ष, संक्रामक रोग, ये सभी अप्रत्याशित घटनाएं हैं। इन सबसे जन और धन दोनों की हानि होती है, लेकिन ये प्राकृतिक हैं और ये किसी भी उद्योग से संबंधित नहीं है या औद्योगिक परिस्थिति या कार्य संपादन प्रणालियों से संबंधित नहीं है, इसलिए इन्हें दुर्घटना नहीं कहा जा सकता। औद्योगिक दुर्घटनाएं उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों तक ही सीमित होती हैं जिनका संबंध यंत्र चालन से तथा परिवहन चालन से होता है, या वे कार्य या कार्यकर्ता से संबंधित दोषपूर्ण अवस्थाओं से होती हैं जो कि दोषपूर्ण अवस्थाओं में काम करते हैं या उस इंडस्ट्री में जहां पर उस कार्य प्रणाली से संबंधित त्रुटियों के कारण कोई दुर्घटनाएं होती हैं वो औद्योगिक दुर्घटनाएं कही जाती हैं। दुर्घटना की परिभाषा अलग अलग देशों में श्रम कानून के आधार पर अलग अलग बताई गई हैं, इसलिए दुर्घटना को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि औद्योगिक परिस्थिति में कार्य संपादन प्रणालियों की त्रुटियों के कारण जो घटनाएं होती हैं वे औद्योगिक दुर्घटनाएं मानी जाती हैं। एक्सीडेंट प्रोननेस एंड प्रोननेस प्रिंसिपल्स। सामान्यतया दुर्घटना कर्मचारी की असावधानी या लापरवाही से होती है। संयोग एक महत्वपूर्ण तत्व भी हो सकता है जिसके कारण भी ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि दुर्घटनाएं कुछ व्यक्तियों के द्वारा ज्यादा होती हैं, अर्थात दुर्घटना की ग्रहणशीलता वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करती है। मनोवैज्ञानिकों के विचार में दुर्घटना प्रवणता या एक्सीडेंट प्रोननेस कर्मचारी का एक शील गुण है, कर्मचारी की अपनी एक विशेषता है। ग्रीनवुड तथा वुड्स द्वारा दुर्घटना प्रवणता के संबंध में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए थे। इन दोनों विद्वानों ने दुर्घटना प्रवणता के चार सिद्धांत बताए हैं। ये चार सिद्धांत हैं एक्सीडेंट बाय चांस, अनइक्वल लायबिलिटीज, इंक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी, डिक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी। एक्सीडेंट बाय चांस, एक्सीडेंट बाय चांस का अर्थ यह है कि संयोग के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, कि कोई एक संयोग ऐसा उत्पन्न हो गया है जिसके कारण वे दुर्घटनाएं उत्पन्न हुई है। अनइक्वल लायबिलिटीज, अनइक्वल लायबिलिटीज का अर्थ है यह है कि सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी वैयक्तिक भिन्नता के कारण कुछ अपने अपने दायित्व होते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने शीलगुण होते हैं और उनके कारण भी कुछ व्यक्ति ज़्यादा दुर्घटनाएं करते हैं और कुछ व्यक्ति कम दुर्घटनाएं करते हैं। इसका अर्थ यही है कि व्यक्ति विशेष की अपनी ग्रहणशीलता होती है किसी भी दुर्घटना प्रवणता के लिए। तीसरा है इंक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी। इंक्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब है कि दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगने के बाद भी उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो दुर्घटना की बारंबारता में वृद्धि होती चली जाती है। और डिस्क्रीज्ड सस्पेक्टेबिलिटी का अर्थ यह है कि यदि दुर्घटना पर ध्यान दिया जाए, दुर्घटना के कारणों पर ध्यान दिया जाए और उनके ऊपर उनको दूर करने का प्रयास किया जाए तो
तो दुर्घटना की प्रवणता कम होने लगती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट को, दुर्घटना को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला है वर्क सिचुएशन, टेम्परेचर, इल्यूमिनेशन और शिफ्ट। वर्क सिचुएशन का अर्थ यह है कि वहाँ की कार्य स्थिति, वहाँ की कार्य स्थिति में या वहाँ की कार्य दशाओं में वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, तापमान कितना है, तापमान बहुत अधिक है, तापमान बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन एक ऐसा माना जाता है कि यदि एक साधारण टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर रखा जाए तो दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। दूसरा इल्यूमिनेशन, लाइट की कितनी व्यवस्था है, यदि रोशनी बहुत अच्छी है तो दुर्घटनाएं कम होती हैं। लेकिन कभी कभी रोशनी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मशीनों का संचालन करते समय व्यक्तियों की आँखों पर वह रोशनी पड़ती है जिसके कारण दुर्घटना हो सकती है। तो उस कार्य दशाओं में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि रोशनी का स्तर कितना है और रोशनी का डायरेक्शन कैसा है। थर्ड, शिफ्ट। सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट चलती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन मनोवैज्ञानिकों का विश्लेषण यह बताता है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून की शिफ्ट में एक्सीडेंट अधिक होते हैं और जो नाइट शिफ्ट है उसमें एक्सीडेंट कम होते हैं। एक पक्ष तो यह है, और वो नाइट शिफ्ट में एक्सीडेंट इसलिए कम होते हैं क्योंकि व्यक्ति उस नाइट शिफ्ट में ज़्यादा जागरूक होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि नाइट शिफ्ट में व्यक्ति को मशीनों का संचालन करते समय यदि झपकी आ जाए, नींद आ जाए, तो वहाँ की कार्य दशाओं में परिवर्तन आता है, मशीन की कार्य दशा में परिवर्तन आता है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है वर्क मेथड, कार्य की विधियाँ, लेंथ ऑफ वर्क पीरियड, जो कार्य करने का समय है वो कितना लंबा है, इसके ऊपर भी दुर्घटनाएं प्रभावित होती हैं। यदि कार्य करने का समय बहुत लंबा है, बहुत लंबे होने के कारण व्यक्ति में थकान उत्पन्न होती है, उसकी एकाग्रता कम होती है, तब दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। सीवियरिटी ऑफ वर्क, कि कार्य का कितना लोड है, बहुत ज़्यादा लोड होने पर टेंशन व्यक्ति को होता है और वह टेंशन में काम करने के कारण वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है और दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, अर्थात कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की प्रवृत्ति आजकल जो समाज में है या आजकल जो औद्योगिक क्षेत्र में है वह भी औद्योगिक घटनाओं को बढ़ाने में सहायक है। फटीग, कार्य की दशाओं के कारण, वर्क सिचुएशन के कारण, टेम्परेचर के कारण, इल्यूमिनेशन या शिफ्ट के कारण जो एक थकान होती है, फिजिकल और मेंटल जो फटीग होती है, उससे भी एक्सीडेंट बढ़ते हैं। अब ये जो दो, फर्स्ट और सेकंड, वर्क सिचुएशन एंड वर्क मेथड, ये दोनों उस कार्य से संबंधित कुछ फैक्टर्स थे। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो व्यक्ति से संबंधित हैं, वर्कर से संबंधित हैं, और वो भी दुर्घटना प्रवणता या दुर्घटना के अधिक और कम होने में सहायक होते हैं। एज, कम उम्र के लोग और अधिक उम्र के लोगों में लोगों के द्वारा दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। एक्सपीरियंस, अनुभवी लोगों के द्वारा दुर्घटनाएं कम होती हैं। हेल्थ एंड फिजिकल डिफिशियंसी, जब स्वास्थ्य और कोई ऑर्गेनिक फिजिकल डिफिशियंसी या ऑर्गेनिक इन्फीरियरिटी होती है तब दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। सेक्स, ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं क्योंकि वो मशीनों के संचालन में या कठोर श्रम करने में ठीक महसूस नहीं करती हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। और फिर आता है मेंटल एंड इमोशनल स्टेट। ये मेंटल एंड इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दुर्घटनाओं को बढ़ने के लिए, क्योंकि आज का जो समाज है या आज का जो समय है उस समय में
तनाव, चिंता, भय, अवसाद जैसी कुछ मानसिक बीमारियां व्यक्तियों को ग्रसित करते जा रही हैं। इनके कारण व्यक्ति मेंटल और इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, और वीक होने के कारण वह जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, उस एकाग्रता के साथ कार्य नहीं कर पाता है, और फिर दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, क्या ध्यान रखा जाना चाहिए या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइसेस। मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइसेस का अर्थ है मशीन से संबंधित कुछ सावधानियां रखी जानी चाहिए। जैसे मशीन खराब हो तो मशीनें बिल्कुल नहीं चलाई जानी चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही मशीनों को संचालित करना चाहिए, मशीनों के ऊपर जितनी एक ऑप्टिमम स्पीड से मशीनें चलाई जानी चाहिए उसी स्पीड से मशीनें चलाई जाएं, बहुत कम या बहुत अधिक स्पीड से मशीनें ना चलाई जाएं। इनडायरेक्ट सेफ्टी मेजर्स कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि इनडायरेक्ट दुर्घटना को प्रभावित करते हैं या दुर्घटना को रोक सकते हैं। थकान का निवारण करना चाहिए। थकान का निवारण अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कुछ तरीके होते हैं। उनको ऐसा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जाए, उनकी जो कार्य करने की दशाएं एक आदर्श बनाई जाएं, उनको बहुत ज़्यादा एक उचित तापमान में, एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में उससे काम करवाया जाए, तब थकान का निराकरण हो सकता है। और यदि एक लंबी मानसिक थकान है तो इंटरटेनमेंट के कुछ साधन होने चाहिए जिससे भी थकान कम की जा सकती है। कार्य के समय उचित गति, बहुत ज़्यादा गति नहीं, केवल उचित, एक एप्रोप्रिएट स्पीड से काम किया जाना चाहिए। उचित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, नियंत्रित वायुमंडलीय दशाएं होनी चाहिए, तब भी दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं या दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। थर्ड है साइकोलॉजिकल सेफ्टी डिवाइसेस। कुछ मनोवैज्ञानिक सेफ्टी डिवाइसेस यूज करने चाहिए जिसमें सुरक्षा समितियां बनाई जाएं, और वो सुरक्षा समितियां उस कार्यक्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान दें, उस कार्यक्षेत्र की समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें, उन व्यक्तियों की या उन कर्मचारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें। योग और प्रेक्षा ध्यान कुछ ऐसी तकनीकें हैं जो शरीर एवं मन पर एक साथ प्रभाव डालती हैं। यदि एक अंतर्दृष्टि का विकास होगा, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होगा तो दुर्घटनाएं कम होंगी। आदतों का निर्माण, कुछ मनोवैज्ञानिक बिहेवियर मॉडिफिकेशन पर बल देते हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई करके अच्छी आदतों का निर्माण करके भी एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। प्रेरणाओं को स्थान देना, व्यक्ति को मोटिवेट किया जाए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए, सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए, उसमें एक ऐसी प्रेरणा भरी जाए या इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए कि व्यक्ति अपने संस्था के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूरे विश्वसनीय और जिम्मेदार होकर कार्य करे। परामर्श एवं निर्देशन, और उद्योग क्षेत्र में प्रबंध मंडल को यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर काउंसलिंग और गाइडेंस की व्यवस्था हो। काउंसलिंग और गाइडेंस एक ब्रिज है, एक ब्रिज का काम कर सकते हैं एक प्रबंध मंडल और कर्मचारियों के बीच। प्रबंध मंडल की समस्याएं और कर्मचारी को समस्याओं के समाधान के लिए कुछ काउंसलर और कुछ ऐसे गाइड रखे जाने चाहिए जो उस उद्योग से संबंधित समस्याओं को जाने और उद्योग से संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सके। इल इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के क्या क्या खराब इफेक्ट हो सकते हैं। इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक क्षति होती है। इंडिविजुअल लॉस का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का अंग भंग हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक इन्फीरियरिटी आ सकती है, वो व्यक्ति मेंटली और फिजिकली इल हो सकता है। और सोशल लॉस का अर्थ है कि जब व्यक्ति में इंडिविजुअल लॉस होगा, व्यक्ति का इकोनॉमिक लॉस होगा,
ये दोनों लॉस मिलकर एक सोशल लॉस बनेंगे, एक सामाजिक कहीं ना कहीं क्षति होगी, व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी होगी, समाज में जो एक लोगों की जो अर्निंग होनी चाहिए, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए उस आय में कमी आएगी। इसलिए एक्सीडेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एक्सीडेंट को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए और उन सेफ्टी डिवाइसेस को यूज़ किया जाना चाहिए जिन सेफ्टी डिवाइसेस से एक्सीडेंट को रोका जा सके, कम किया जा सके या उन्हें मिटाया जा सके। इंडस्ट्रियल फटीग। अब एक्सीडेंट के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है फटीग का, थकान का। अकॉर्डिंग टू गिलब्रेथ ने कहा कि थकान कार्य करने की शक्ति का ह्रास है, कार्य करने की शक्ति में जब कमी होती है वह एक थकान की अवस्था है। कार्य करने में आनंद की अनुभूति में कमी होती है, कार्य रहित घंटों में प्रसन्नता का अभाव होता है। ये तीन स्थितियां ऐसी हैं जो थकान को सूचित करती हैं, थकान के बारे में इंडिकेट करती हैं कि व्यक्ति में शक्ति की कमी है, व्यक्ति में आनंद या प्रसन्नता की कमी है और व्यक्ति जब कार्य रहित घंटों में रहता है या जब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है तब भी उसमें अगर तनाव बना रहता है, उसमें प्रसन्नता का अभाव होता है तो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति थकान में है। फटीग अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस गिलब्रेथ के साथ साथ फटीग को फ्लोरेंस ने भी अपने शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने भी कहा कि कार्यह्रास मीन्स कार्य करने में कमी, दैहिक स्थिति में परिवर्तन, कुछ शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होते हैं और थकान की अनुभूति होती है। ये तीनों मिलकर एक फटीग को परिभाषित करते हैं। दोनों गिलब्रेथ और फ्लोरेंस ने अपने अपने प्रकार से फटीग को परिभाषित करने की कोशिश की और उन्होंने ये बताया कि सबसे मुख्य है कार्य करने की गति में कमी या अपने कार्य में ह्रास या उत्पादन में ह्रास, शारीरिक और दैहिक परिवर्तन होते हैं और ये शारीरिक और दैहिक परिवर्तन व्यक्ति को बीमार बनाते हैं, और तीसरा व्यक्ति में आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति में कमी होती है। नेचर ऑफ फटीग, यदि इन दोनों गिलब्रेथ और फ्लोरेंस के परिभाषाओं की एनालिसिस की जाए तो थकान के स्वरूप के बारे में कुछ निष्कर्ष निकलकर हमारे सामने आता है। मानसिक शक्तियों का ह्रास, मांसपेशी में शक्ति उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी, थकान में दैहिक परिवर्तन, उत्पादन का ह्रास, सामग्री का अपव्यय, दुर्घटना की संभावना, ये सारे चीजें थकान के स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं। कॉजेज ऑफ फटीग, फटीग के या थकान के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, कार्य के घंटों का प्रभाव होता है, यदि कार्य के घंटे ज़्यादा होते हैं तो थकान होती है। इफेक्ट ऑफ रेस्ट पॉज, विश्राम काल कितना होता है, विश्राम काल यदि कम होता है तो थकान ज़्यादा होती है। टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन, तापमान यदि उचित तापमान ना रखा जाए, वेंटिलेशन का पूरा ख्याल ना रखा जाए तब थकान अधिक होती है। मशीन डिज़ाइन, मशीन की कुछ डिज़ाइन ऐसी हो जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से पेन देने वाली हो तो थकान होती है। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फियर, उस इंडस्ट्री का माहौल, वहाँ के कर्मचारियों का एक दूसरे के प्रति रवैया यदि सौहार्दपूर्ण हो तो थकान कम होती है। इफेक्ट ऑफ प्रॉपर पोस्चर, व्यक्ति किस पोस्चर में कार्य करता है, यदि वो बहुत बैठ कर कार्य करता है, यदि वो बिल्कुल खड़ा होकर कार्य करता है, उसका पोस्चर कैसा है, एक ऐसी स्थिति जो जिस स्थिति में उसको सुख का आभास हो, जिस स्थिति में उसको आराम का अनुभव हो, वह स्थिति एक अच्छा पोस्चर है और यदि उस अच्छी स्थिति में काम किया जाएगा तो थकान नहीं होगी। अगर उसका पोस्चर प्रॉपर नहीं होगा तो एक फटीग का कारण वो भी हो सकता है। सोशल फैक्टर, जब व्यक्ति अपने व्यक्ति को उसके कार्य के लिए एक सोशल प्रेस्टीज नहीं दी जाती है तो थकान का अनुभव होता है। और कुछ इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं जो व्यक्ति से संबंधित होते हैं, जैसे नींद की कमी होती है या उसमें मोटिवेशन की कमी होती है तो भी थकान ज़्यादा होती है। मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग फटीग, फटीग को कैसे दूर किया जाए।
प्रॉपर वर्किंग आवर्स, जो उसके कार्य करने के जो घंटे हैं वो प्रॉपर हों, वो उचित हों, जिससे उसको थकान का अनुभव ना हो। सफिशियंट रेस्ट पॉज, उसको एक ठीक प्रकार से पर्याप्त मात्रा में विश्राम दिया जाए। चेंज ऑफ वर्क, उसके कार्य को चेंज करते रहना चाहिए। कार्य के चेंज होने से उसमें एक मोटिवेशन बना रहता है, उसमें एकाग्रता बनी रहती है, उसमें एक चार्म बना रहता है जो फटीग को कम कर सकता है। इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर, यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा जाए तो फटीग को कम किया जा सकता है। मशीन, नई टेक्नोलॉजी की मशीन यूज़ की जाए, मशीन यदि खराब हो जाए तो मशीन को न चलाया जाए और प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा ही मशीन चलाई जाए तो फटीग को कम किया जा सकता है। हेल्थ ऑफ वर्कर, वर्क जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके स्वास्थ्य का, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनको ऐसी सुविधा मुहैया करवाई जाए कि उनके वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेजरमेंट ऑफ फटीग, फटीग को मेजरमेंट के लिए कुछ टेस्ट हैं जो आजकल उद्योगों में यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल टेस्ट हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट हैं, केमिकल टेस्ट हैं, मेंटल टेस्ट हैं एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड हैं। इन सभी के द्वारा व्यक्ति के फटीग के स्तर को मापा जा सकता है, जांचा जा सकता है और फिर यदि फटीग का स्तर अधिक हो तो उसको रोका जा सकता है या फटीग को एलिमिनेट किया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स थ्रू साइंस ऑफ लिविंग और प्रेक्षा मेडिटेशन। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल फील्ड, जैसा कि अभी कुछ लेक्चर्स में हमने इंडस्ट्री के बारे में हमने देखा, इंडस्ट्री में किस तरीके से काम किया जाता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, चाहे वो कार्य संतुष्टि की बात हो, चाहे वो जॉब एनालिसिस की बात हो, चाहे वो लीडरशिप की बात हो, चाहे वो औद्योगिक मनोबल की बात हो, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो इन सभी कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं। उन समस्याओं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वर्कर्स पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, मोरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ये चार समस्याएं ऐसी हैं जो उस व्यक्ति से संबंधित हैं। दूसरा, प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनके म्यूचुअल रिलेशन को मेंटेन रखने के कारण या उनके रिलेशनशिप के बीच में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तीसरा, फटीग एंड एक्सीडेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं। चौथा, माल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स लाइक कैरेक्टरलेसनेस, ब्राइबरी, नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी एंड एडिक्शन, यह कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अनस्किल्ड वर्कर्स, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडस्ट्री के कर्मचारियों में या इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में हो सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए? ये सारी समस्याओं के बारे में आप और हम जानते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम कैसी होती है, सोशल प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, या और दूसरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम कैसी होती है। इसका प्रॉब्लम का या इन प्रॉब्लम्स के समाधान का तरीका है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है, वह है साइंस ऑफ लिविंग। साइंस ऑफ लिविंग एक थ्योरेटिकल पार्ट है और उस थ्योरेटिकल पार्ट का एक प्रैक्टिकल है प्रेक्षा ध्यान। इन प्रेक्षा ध्यान के कारण और साइंस ऑफ लिविंग के कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में अगर रखा जाए, उनको फॉलो किया जाए, तो हम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। साइंस ऑफ लिविंग और प्रेक्षा मेडिटेशन, ये हमारे शरीर और मन को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर और मन की समस्याओं का निराकरण करते हैं। हमारे शरीर से संबंधित समस्याएं, हमारी मन से संबंधित समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए साइंस ऑफ लिविंग और प्रेक्षा ध्यान एक अच्छे उपकरण के रूप में या एक अच्छे मेडिसिन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम यदि प्रेक्षा ध्यान पर बात करें तो प्रेक्षा ध्यान में जितने भी अंग हैं, उस प्रेक्षा ध्यान का प्रत्येक अंग
शरीर और मन को प्रभावित करता है। कुछ अंग ऐसे हैं जो पहले शरीर को प्रभावित करते हैं फिर मन को प्रभावित करते हैं, और कुछ अंग ऐसे हैं जो पहले मन को या मानसिक अवस्था को प्रभावित करते हैं और फिर उसका प्रभाव शरीर पर आता है। जो एक विकास की बात है, व्यक्तित्व विकास की बात है या इन समस्याओं के समाधान की बात है, तो व्यक्ति में व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा, व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकास करेगा, व्यक्ति इमोशनल रूप से बहुत एक अच्छा महसूस करेगा, तब वो किसी भी प्रॉब्लम से निजात पा सकता है। यदि उसकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है तो प्रेक्षा ध्यान और साइंस ऑफ लिविंग एक इंट्यूशन पैदा करेंगे, एक ऐसी अंतर्दृष्टि पैदा करेंगे, और उन अंतर्दृष्टि के कारण वह अपनी कमियों को देखेगा, वह अपनी शक्तियों को देखेगा, और शक्तियों और कमियों को देखने के बाद ही वह व्यक्ति अपनी कुछ समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है। यदि ग्रुप मोरेल की बात की जाए, दुर्घटना की बात की जाए या और किन्हीं समस्याओं जो कि कार्य पद्धतियों या कार्य प्रणालियों से संबंधित हैं, उन समस्याओं की ओर अगर ध्यान दिया जाए, तो भी प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा उपकरण है या ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति में एकाग्रता को बढ़ाता है। व्यक्ति में एकाग्रता बढ़ेगी तो कार्य प्रणालियों में त्रुटियां कम होगी, व्यक्ति में एक व्यक्ति की जो शारीरिक स्वस्थता बढ़ेगी तो व्यक्ति में कार्यक्षमता बढ़ेगी, व्यक्ति मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होगा तो उस उद्योग में एक अच्छा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा, और इन सब के साथ ही वह अपनी औद्योगिक समस्याओं का निजात औद्योगिक समस्याओं को दूर कर सकता है। साइंस ऑफ लिविंग और प्रेक्षा मेडिटेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे दोनों जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं। वे हम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलपमेंट करते हैं, हृदय परिवर्तन करते हैं, हृदय के भावों को नकारात्मक दिशा से सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ाते हैं, हमें एक अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वो अहिंसक व्यक्तित्व का निर्माण उद्योग में या औद्योगिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्यों वह इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आज एक कट थ्रॉट कंपटीशन है, और इस कट थ्रॉट कंपटीशन में व्यक्ति में हिंसा का भाव बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान अहिंसा का विकास करेगा तो व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझेगा, एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करेगा, तब एक जितनी भी औद्योगिक या व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका निराकरण संभव है। इस प्रकार आपने देखा कि ये पूरा फोर्थ पेपर जो अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें हमने पर्सनालिटी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उद्योग से संबंधित कुछ समस्याओं को डिस्कस किया था, जिसमें व्यक्तित्व विकास की बात हमने डिस्कस की थी, जिसमें औद्योग समस्याओं का साइंस ऑफ लिविंग और प्रेक्षा ध्यान से कैसे समाधान किया जा सकता है उस चीज़ को डिस्कस किया था, तो इन सभी का एक ही मंत्र है, जो यदि हम अपनी दैनिक जीवन में हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं में हम अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में प्रेक्षा ध्यान की विधियों का उपयोग करेंगे, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो किसी भी प्रकार की, चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे वो व्यक्तित्व से संबंधित समस्याएं हों, चाहे वो उद्योग से संबंधित समस्याएं हों, हम उनका निराकरण कर सकते हैं। थैंक यू।